प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर स्थित संभागीय बीजेपी कार्यालय में सन 1975 में लगाए आपातकाल के 50वें साल पूरे होने पर मीसा बंदियों का सम्मान किया गया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने उस वक्त की यादों को ताजा किया और अपने अनुभव कार्यकर्ताओं को सुनाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर स्थित संभागीय बीजेपी कार्यालय पर हुए मीसा बंदी सम्मान समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने मीसा बंदियों को सम्मानित किया। इस दौरान नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, दीपक तीनू जैन, सुदर्शन गुप्ता, उमा शशि शर्मा समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मान समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने आपातकाल की यादों को ताजा करते हुए अपनी बात रखी। आज एक संयोग है कि जिस दिन आपातकाल लगा था उस दिन भी मैं इंदौर में ही था। लगभग 50 साल इस बात को हो गए। यहाँ से हम लोगों को भोपाल जाना था। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन जो चल रहा था उसकी संघर्ष समिति का मेंबर था मैं। शरद यादव जी, रघु ठाकुर जी, मेघराज जी जैन, मैं, डॉक्टर रमेश, हम युवा लोगों की टीम यहाँ आने पर मुझे मालूम पड़ा। रात के बस से आया, सुबह मालूम पड़ा कि आपातकाल लग गया है, बैठक स्थगित हो गई है। फिर यहाँ हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग थे उनसे संपर्क किया, उसमें मामा जी भी थे, माणिकचंद जी, वाजपेयी जी भी। कुछ दिन तक हम लोग इधर उधर घूमते रहे, फिर अंततः गतवा तय हुआ कि सत्याग्रह करके जो जा सकते हैं। इस बीच में मेरे पिताजी को भी बंद करके मंडला जेल में भेज दिया था। मेरे गांव से 32 लोगों को भेजा था। पूरे देश के अंदर अब आपको बताने की जरूरत नहीं, बात तो सब मीडिया के लोग हैं, जानते हैं, हजारों लोगों को। और उस समय जनसंघ था, भारतीय जनसंघ, तो भारतीय जनसंघ के सभी प्रमुख नेता बेंगलोर में थे। वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली थी, तो अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जी वगैरह सबको वहीं पे रोक के बंद कर दिया गया। धारा 352 के अंतर्गत आपातकाल जो लगाया उसके कारण भी आपको मालूम है कि तीन घटनाएं एक के बाद एक हो गई। उसके पहले गुजरात में चुनाव हुए विधानसभा के, नव निर्माण समिति के आंदोलन चल रहा था और उसमें कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। उससे कांग्रेस घबराई हुई थी क्योंकि 6-8 महीने बाद पार्लियामेंट का चुनाव होना था। दूसरा, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन पूरे देश में फैल रहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर जी का ही वाक्य गाँव गाँव में गूंज रहा था। तीसरा कारण तत्काल में हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करते हुए 6 साल के लिए करप्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। सबसे बड़ा कारण ये बन गया, उनको लगा कि मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी और इस प्रकार मेरे परिवार की राजनीति समाप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर स्थित संभागीय बीजेपी कार्यालय में सन 1975 में लगाए आपातकाल के 50वें साल पूरे होने पर मीसा बंदियों का सम्मान किया गया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने उस वक्त की यादों को ताजा किया और अपने अनुभव कार्यकर्ताओं को सुनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।